वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मंडे है और जैसा मैंने कहा था कि आज से मैं अपनी डाइट शुरू करूँगा, तो आज मैं सारा सामान जाके लाने वाला हूँ, जो जो सामान है मेरी डाइट के लिए जरूरी है। और मैं आपको डिस्क्राइब करता रहूँगा क्या क्या चीज़ें हैं, और वो भी और अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैक्रोज क्या क्या है वो भी बता दूँगा। और ये फैट लॉस है एक तरह से, और मसल गेन फैट लॉस ऐसा है। टू स्कूप्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, वन स्कूप ओट्स, और ये बन रही है चाय मेरे लिए। जैसा मैंने कहा था कि मैं अपनी डाइट मंडे से शुरू कर दूंगा, तो लेमन वाटर, गर्म पानी पी सकते हो या नॉर्मल पानी पी सकते हो, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। साथ ही सुबह का पहला डाइट है, मतलब पहला ही सबसे पहला चीज़ है ये जो मैं ले रहा हूँ, और आगे देखते हैं क्या क्या, मतलब आगे बताता हूँ मैं क्या क्या लेना है और मैं क्या क्या डाइट लेता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डाइट से, जो है टू स्कूप्स ऑफ, जैसे पहले पहले बता दिया, टू स्कूप्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स और एक स्कूप ओट्स। ये इसमें कार्ब ज़्यादा है और प्रोटीन मिनिमम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ मिनिमम प्रोटीन है। और देखने में कैसा लग रहा है, ठीक। इसको आप गर्म पानी में बना सकते हो या फिर गर्म पानी में सोप करने के लिए डाल दोगे तो वैसे भी खा सकते हो उसको। जा रहा हूँ मार्केट, कुछ दवाइयाँ लानी हैं और सब्जियाँ लेके आऊँगा जो मुझे खाना है, मैंने मतलब ये डाइट है। और देखते हैं वहाँ क्या हालात है, मे भी मेरे को लगता है कि लॉकडाउन है तो हो सकता है कि सारा कुछ बंद हो गया, कुछ लोग नहीं होंगे, देखते हैं क्या होता है। अनसेफ हो जाएगा फिर, तो ये सारा कुछ मैं ले आया हूँ। अब देखते हैं इसमें, इसको पहले मैं सैनिटाइज कर देता हूँ अच्छे से, और इसको धो के फिर हम इसको अंदर डालेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाऊंगा डाइट के साथ साथ, कैसे खानी क्या करनी है, और बस यही। जैसे मैंने यहाँ सारी सब्जियाँ ला के पानी में रख दी कुछ देर के लिए, तो आप भी अगर बाहर से सब्जियाँ वब्जियाँ लाते हो तो उसको पानी में डाल के छोड़ दिया करो, या फिर अच्छे से धो के अंदर रख दिया करो, ऐसे मत रखा करो। वेलकम बैक, मैं अभी बाज़ार से वापस लौटा और मेरा बाज़ार जाने का एकदम मन नहीं है। जैसे आपने देखा कि कितनी भीड़ हो रही है, मुझे लगा था कि बहुत नॉर्मल सी भीड़ होगी, कुछ लोग होंगे, जाके सामान जल्दी से ले आऊँगा, बट यहाँ कंटेनमेंट जोन नहीं है कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भीड़ है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। जब मैं बाज़ार गया उसके बाद हर एक 10 कदम, हर एक 5 कदम पे 10 बंदे, 5 बंदे ऐसे विदाउट मास्क घूम रहे थे। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो तो सिर्फ आप अपने को इफेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने साथ वाले दोस्त को, घर को, अगर आप बाज़ार जा रहे हो वहाँ चीज़ें खरीद रहे हो, तो वायरस फैल सकता है बहुत ज़्यादा। सही बात, कंटेनमेंट जो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे वैसा बना दिया लोगों ने, नॉर्मल डेज की तरह भीड़ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मतलब हम गरीब हैं, हमें पैसा कमाना पड़ता है, रोज़ निकलना पड़ता है, ये बात भी सही है। यहाँ पे जो यहाँ रेट है पॉवर्टी का वो ज़्यादा है, लेकिन प्रिकॉशंस तो ले ही सकते हो, मास्क पहन सकते हो, सैनिटाइज़र लगाओ, दूरी बना कर रखो। हमारे घर में भी लोग काम करने आते हैं, वो भी मास्क पहन के रखते हैं, अपना सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, उसी तरह आप भी कर सकते हो। पर कोई ऑफेंड मत होना मेरे डाटे से देख रहे हो अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। बात है कि सेल्फ
प्रिकॉशन जब तक नहीं लोगे तब तक आप सामने वालों को इफेक्ट करोगे और खुद तो इफेक्ट होगे और घर वालों को भी करोगे, और जब जिस पर बीतती है ना उसको भी पता लगता है वो कैसा हो रहा है। ऐसे लोग कहते हैं कोरोना नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त के साथ और मेरे कुछ दोस्त के फैमिली के साथ हुआ ऐसा कुछ, तब देखा है मैंने, तब पता लगा है क्या होता है, कैसा होता है। तो मेरी ये दूसरी डाइट चल रही है, लेकिन ये दूध है जो मेरी डाइट में है नहीं, हल्दी दूध। अगर आप मम्मी घर में तो दही देती है, बट आप ये मत करो कि पीना नहीं है, ये नहीं करना। आप इसको अपनी कैलोरी से कैलकुलेट करके और उसको अपने डाइट में ऐड कर लो। क्या करना है कैसे करना है वो तो आपको पता ही नहीं पता है, तो मैं एक वीडियोस बना दूंगा कि अपनी कैलोरीज को कैसे काउंट करते हैं, इसमें प्रोटीन कितना है वो काउंट कर लो, फिर उसको जो आपका एक्स्ट्रा डाइट है उसमें से काट के इसको ऐड कर दो और उसके अकॉर्डिंग अपना खाना करो। घर में तो थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा चीज़ों को, ये नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, और बाहर भी नहीं आ सकते हो जिस तरह से हालात हो रखे हैं। तो यहाँ मैं अपने सेकंड डाइट लेने, मतलब अपनी सेकंड डाइट लेने जा रहा हूँ, जो है 200 ग्राम चिकन और एक खीरा, जिसमें 62 ग्राम का प्रोटीन मिल जाएगा। और खीरा सलाद के लिए बीन्स वेजिटेबल खाना चाहिए, इसलिए मैं इसे ऐड कर लिया है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो इसके जगह आप सोया चंक्स ऐड कर सकते हो या फिर पनीर ऐड कर सकते हो, बट उसका जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो अलग होगा और उसका जो न्यूट्रिशन फैक्टर होगा वो भी बहुत अलग होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आप खा सकते हो। आज का वर्कआउट और दिन और व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। देख रहे हो आप कितना मैं गीला हो गया हूँ, क्योंकि आज वहाँ यहाँ बहुत गर्मी है। साथ ही साथ ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।